लोकसभा 2024 के चुनाव का बिगुल कभी भी बज सकता है और इसके ठीक पहले हम निकले हैं गोरखपुर के अलग अलग मोहल्लों में। और इस समय जो ये इलाका है वो मियां बाज़ार या माया बाज़ार भी कुछ लोग कहते हैं, मियां बाज़ार का ये इलाका है, पूरा फाटक कहते हैं इस जगह को। और आप सामने देख सकते हैं सीना ताने इमाम बाड़ा यहाँ पर आपको दिखाई देगा जो सैकड़ों साल पुराना है। और ये इमाम बाड़ा गोरखपुर की एक पहचान है और यही वजह है कि हम यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ के लोगों से बातचीत करने के लिए पहुँचे हैं कि आखिर वो लोग यहाँ के चुनाव जो लोकसभा 2024 का चुनाव है उसको लेकर क्या इत्तेफाक रखते हैं, क्या लोगों की राय है। तो सबसे पहले जान लेते हैं सर, ये बताइए क्या नाम है और क्या कहना चाहते हैं जो 2024 का चुनाव है उसको लेकर किस तरह का माहौल दिख रहा है। हमारा नाम इमानुल हक है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये शासन में योगी या मोदी के शासन में बहुत अच्छा विकल्प है। जो रोड चौड़ी हो रही है यहाँ पे, जो चीज़ नहीं मालूम था वो चीज़ अब मालूम हो रहा गोरखपुर, नहीं तो गोरखपुर जानने के लिए कह रहे देहात है, लेकिन ये चीज़ अब ख़त्म हो गया है योगी जी महाराज के आने से। हम उनसे बहुत संतुष्ट हैं। अच्छा क्या लगता है चाचा, ये बताइए क्या नाम है आपका और ये कौन सा मोहल्ला? अब्दुल रहीम मियां बाज़ार है। आपको क्या लगता है 2024 का चुनाव करीब है तो किस तरह का काम दिखाई दे रहा है? काम मोदी जी का और बाबा का काम अच्छा है और काम अच्छा देख करके समद गुफरान ने ये भाजपा ज्वाइन किया है और अच्छा चल रहा है और हमेशा ऐसे ही चले, अच्छा है, हर गरीब अमीर का साथ दें बस। अच्छा समद गुफरान यहाँ पर पार्षद हैं इस मोहल्ले के, पहले निर्दल जीते और अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, तो एक दौर वो भी था आपने देखा ही होगा 2007 में डॉक्टर हरिओम आए थे डीएम, तो यहाँ पर उनकी गाड़ी तोड़ दी गई थी, काफ़ी तनाव हुआ था, दंगा भी हो गया था, कर्फ्यू भी हुआ था। तो कितना फ़र्क देखते हैं तब से और अब के समय में? तब से अब बहुत फ़र्क है और अब भाजपा में आ गए हैं और दौड़ भाग कर रहे हैं और ज़्यादा काम कर रहे हैं, यानी 12 बजे रात 2 बजे रात तक इधर उधर जो है लोगों के मदद में लगे रहते हैं, फिर आते हैं और फिर सुबह उठ जाते हैं, फिर लोगों का काम करते हैं। अब तो कांग्रेस का गठबंधन भी हो गया है, सीटें भी मिल गई हैं समाजवादी पार्टी के साथ यूपी में, तो कितना लग रहा है कि इंडिया गठबंधन यहाँ पर कुछ कर पाएगा यूपी में? अब जिसका दार दौरा ज़्यादा होगा वही कर पाएगा और क्या। आपको क्या लगता है कि कमल का पलड़ा भारी दिख रहा है या पंजे और साइकिल का? भारी तो कमल का दिख रहा है। ये देखिए और भी लोग हैं, एक चचा यहाँ पर हैं और इनसे भी जान लेते हैं। ये बताइए कि 2024 के चुनाव में किस तरह का माहौल दिख रहा है गोरखपुर? देखिए चुनाव के जहाँ तक संबंध है ये ऐसा है कि बस यहाँ पर जो है कमल का ही ज़्यादा है और मोदी और योगी इन्होंने जो किया है वो हम लोगों के लिए बहुत बेहतर है, हम इससे संतुष्ट हैं। तो गठबंधन भी अब हो गया है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, तो क्या लगता है कि कितना यहाँ पर कर पाएंगे कुछ? देखिए एक विकास दिखाई दे रहा है और एक विकास की जो लोग दे रहे हैं कि हम विकास करेंगे, दोनों में बहुत फर्क है। एक विकास मेरे सामने है, हम उसको देख करके ही बात कर रहे हैं, आने वाले लोगों में क्या विकास करेंगे क्या नहीं करेंगे इस पर कोई चर्चा हम नहीं कर सकते क्योंकि जो वो है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर जो है जो योगी मोदी ने जो किया वो तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। समद गुफरान हमारे भतीजे हैं, ये निर्दल से लड़े, जैसा कि आपने कहा निर्दल से लड़े, ये सच्चाई है, लेकिन उसके बाद इन्होंने इन्हीं पर चीज़ों को देखने के बाद इन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया। चलिए भाजपा ज्वाइन कर लिए, ये बताइए मुन्नू भाई हैं बहुत पुराने यहाँ के रहने वाले हैं और ये बाशिंदे हैं यहाँ के, तो इनसे भी जान लेते हैं कितना विकास दिखाई दे रहा है इस मोहल्ले की अगर बात करें, कुछ विकास दिख भी रहा है क्या आपको? सबसे बात हमारे नेताजी कामरान जी हैं, बहुत ही मेहनती जुझारू कर्मठ, जैसा होना चाहिए एक नौजवान को उनकी सारी खूबियाँ दिखाई दे रही हैं। किसी भी क्षण उनको याद किया जाता उस वक्त वो पहुंच जाते हैं, तो इनसे बेहतर तो हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या लग रहा है अगर 24 के चुनाव की बात करें तो क्या लग रहा है यूपी में किस तरह का माहौल आपको दिख रहा है? और सबसे अच्छा काम है आज तक ऐसा विकास नहीं देखा। कभी हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे हुआ करते थे, यहीं पर डीएम हरिओम की गाड़ी तोड़ी गई थी साल 2007 में, अभी कितना बदलाव दिखाई दे रहा है? देखिए कुछ शरारती तत्व होते हैं चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, इससे हमें कोई
महाराज जी के आने से बहुत ही विकास हुआ है और आने वाले दिन में भविष्य के हमारे सम्बन्ध से हो सकता है वो प्रधानमंत्री हों। देखिए बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है और पूरा मुस्लिम आबादी वाला ये पूरा फाटक है इमामबाड़े का, तो यहाँ और भी लोग हैं, जान लेते हैं। प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अच्छा काम लग रहा है, आपको क्या लगता है, क्या इत्तेफाक रखते हैं? बहुत अच्छा काम हो रहा, विकास हो रहा, गोरखपुर की एक नई पहचान महाराज जी दिए हैं। गोरखपुर में क्या था, हम लोग बॉम्बे में गए थे, गोरखपुर को कोई नहीं जानता था, अब तो गोरखपुर का नाम हो रहा, विकास हो रहा, हर चीज़ें हो रही हैं। तो महाराज जी के आने से बहुत फर्क हुआ गोरखपुर की पहचान, और उनके सेवा गोरखपुर से कोई जीत नहीं सकता। आपको क्या लगता है? बिल्कुल जो भाई कहे हैं बहुत सही कहे हैं, हम लोग का ख्वाहिश है कि उनको प्रधानमंत्री बनाने की। चलिए एक यहाँ पर आप भी यहाँ बताइए, क्या लगता है कितना आपको विकास दिखाई दे रहा है, और खासकर गोरखपुर की बात करें? बहुत बेहतरीन विकास हो रहा है, सबका साथ सबका विकास चल रहा है, और गोरखपुर से बहुत अच्छा ही परिणाम आएगा, योगी जी का भी और मोदी जी का भी। और मियां बाजार वार्ड में हमारे समद दुकान साहब जो बीजेपी ज्वाइन किए हुए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और चलिए गोरखपुर का मुसलमान किस तरफ जा रहा है ये हम जान लेते हैं, ये बताइए क्या लग रहा है आपको, कितना आपको बदलाव दिख रहा है और किसके साथ आप? देखिए पहले जो था वो मुस्लिम कम्युनिटीज जो थी वो बीजेपी के साथ जुड़ी नहीं थी, लेकिन इधर विकास कार्यक्रम देखने के बाद, योगी जी के तमाम शासन प्रशासन को देखने के बाद, इतनी ज़्यादा पब्लिक झुकाव हुआ है जिसमें मुस्लिम क्या हर वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा अभी बात हो रही थी, अभी एक वीडियो भी वायरल हुआ था, एक बुरके में मुस्लिम महिला बैठी थी, योगी जी जाते हैं और उस उनके गोद से बच्चे को ले लेते हैं और काफ़ी दुलार भी करते हुए दिख रहे हैं, कितना बदलाव उनके अंदर दिखाई दे रहा है, और इन सब चीज़ों से कितना बदलाव दिखाई देगा यूपी में? बहुत बदलाव दिखाई दे रहा है, बहुत बदलाव दिखाई दे रहा है, और काम अच्छा भी हो रहा है भाई, जिस जो काम अच्छा करेगा हर आदमी उसके विकास दिखाई दे रहा है, विकास दिखाई दे रहा है। तो समद गुपरान साजू भी हमारे साथ है, निर्दल प्रत्याशी के रूप में इन्होंने काफ़ी उलटफेर किया, जीत दर्ज की, अब भारतीय जनता पार्टी का दामन इन्होंने लखनऊ में पकड़ा है, प्रदेश अध्यक्ष भी थे, तमाम डिप्टी सीएम भी थे केशव मौर्य जी, और भी लोग थे, ये बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए इस वार्ड से हम निर्दल प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित हुए थे, लेकिन हम किसी भी पार्टी से चाहते तो टिकट मिलता सिवाय भाजपा से, क्योंकि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो कि एक राजनीतिक संगठन नहीं है बल्कि एक विचारधारा है। भाजपा में एक शुरू से ही सिस्टम है कि वहाँ का एक सामान्य कार्यकर्ता कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक बन सकता है, जबकि आप इतिहास उठा के देखेंगे जो भी अन्य राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो एक परिवार द्वारा संचालित की जा रही पार्टियाँ हैं, उनके अलावा बाहरी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है उस पार्टी में, वो एक आम कार्यकर्ता की तरह ही रह जाता है। क्या लगता है भाजपा में, मतलब परिवार वालों को नहीं, लेकिन ये जो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं वो पाक साफ आ रहे हैं, जीरो टॉलरेंस जो माफिया के खिलाफ जो दावा करती है भाजपा? देखिए बिल्कुल, अभी जब हमने ज्वाइन किया तो आप देख लीजिए मेरे खिलाफ कोई ऐसी मुकदमा नहीं है, कुछ नहीं है, और कई ऐसे भी लोगों को भाजपा ज्वाइन कराया गया, अभी चोरी चोरा की बात करें दो माफिया गैंगस्टर थे उनको भी भाजपा ज्वाइन करा दिया गया, और भी राजघाट की बात करें तो एक दो भाई बंधु हैं उनको भी कराया गया, वो भी माफिया थे, रासुका भी लगा, वो एक मिसगाइड करके उन लोगों को ज्वाइन किया है, और हमको ये पक्का विश्वास है कि उनके खिलाफ ज़रूर पार्टी एक सख्त निर्णय लेगी और उनको जल्दी पार्टी से निकाल। विकास की अगर बात करें तो कितना लग रहा है आप आगे कर पाएंगे भाजपा ज्वाइन करने का? गोरखपुर अगर आप पहले देखेंगे, अगर हमारे यहाँ कोई मेहमान आता तो शायद हम लोग किसी जगह उसको ले नहीं जा सकते थे, शायद आप भी इस चीज़ से अनभिज्ञ नहीं हैं। आज देखिए तमाम विकास कार्य हो रहे हैं, हर तरफ चारों तरफ विकास कार्य हो रहे हैं, सड़कों का जाल फैलाया जा रहा है, और मैं तो सिर्फ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यशैली को और हमारे शहर के विधायक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी के से कार्यशैलियों से प्रभावित होकर, और हमारी पार्टी का जो एक नारा है सबका साथ सबका विकास से प्रभावित होकर हमने पार्टी की सदस्यता ली है, और मैं निश्चित रूप से मैं पार्टी के प्रति पूरी उम्र ईमानदारी से कार्य करूंगा। ये पूरी उम्र ईमानदारी से काम करेंगे, लेकिन अगर गोरखपुर की बात करें, गोरखपुर की जनता की बात करें, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, और चाहे किसी भी धर्म का हो, उनका कहना है कि विकास की परिपाटी पर जो खरा उतरेगा वो 2024 के लोकसभा चुनाव में उसी के साथ जाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।